हजरत सूबिया अन्हा हजरत सूबिया का वाकया कुछ ऐसे है कि जब नबी सल्लल्लाहु वसल्लम की वलादत की खबर आपके चचा अबू लहब को मिली चचा को भतीजे की खबर मिलना तो हर माशरे में एक बहुत बड़ी खबर और खुशखबरी अबू लहब को जब वसल्लम की वलादत की खबर मिली तो अबू लहब इतना खुश हुआ था कि अपनी लौंडी खासर सोबिया रजिया को उस वक्त फिलफार आजाद कर दिया था उस माशरे में भी वो माशरा जो इतनी अखलाक तौर पर गिर चुका था उसके अंदर भी खैर और भलाई की पहचान थी उस माशरे में भी खैर के काम ग़ुलामों को आज़ाद करने को खैर का काम तस्वर किया जाता था और बदतरीन मिजाज और बखील तरीन शख्स की फितरत के अंदर भी एक नेकी का और एक खैर और गुडनेस का तस्वर और वर्च्यूज़ का कॉन्सेप्ट अल्लाह ने जब फरमाया है फजूर अखब तकवा हर शरीर से शरीर सिर्फ शख्स के अंदर भी एक भलाई का तस्वूर मौजूद होता और पहचान मौजूद होती और फिर ये देखे कि अबू लहाब ने वलादत पे तो इतनी खुशखबरी और फिर जब उसी उसी लाडले आंखों के तारे इतने प्यारे भतीजे ने जो मजीद अब यतीम भी हो चुका था और मजीद इनकी मोहब्बत और इनकी शफकत का हकदार भी बन चुके थे लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो वह मोहब्बत वो, वो शफकत वो कुर्ब दुश्मनी में और अदावत में बदल गया के आई ये तकपुर और ये अपने दीन की अंधा धुंध पैरवी और ये तासब और ये अनानियत है जब बस औकात आँखों और कानों और दिलों का डांट बन जाता है और इतने इतने मोहब्बत वाले रिश्तों से दूरी का जरिया बन जाता है हजर सूबिया को जब आज़ाद करवाया गया तो इनको अल्लाह की तरफ से वसादत मिली के नबी अलैहि वसल्लम के अलावा हजरत हमज़ा हजरत अब्दुल्ला बिन जहश और नबी अलैहि वसल्लम के दूसरे पुफीजात हज़रत अबूसलमा कोया चार लोग नबी वसल्लम आपके चचा हज़रत हमजा रजी अल्लान ला आपके पुपी जदात हजरत अब्दुल्ला बिन जहर और आपके पुफी जात अबू सलमा रजी अल्लन ला इन चारों को रज़ात करवाना और दूध पिलाने का शर्फ हजरत सूबिया रज़ी अल्लाह तन को मिला ये तीन चारों नबी तीनों नबीम के रजाई भाई भी हुए हमें ये पता चलता है कि रसूल सलम ने वलादत के बाद सात दिन उनकी वालदा ने दूध पिलाया और फिर कुछ दिन हजरत सूबिया रज़ी अल्ला ने दूध पिलाया और फिर उसके बाद उनको उनकी दाइयादिया हलीमा के पास मुंतकिल कर दिया गया हजर सूबिया रजी तह ने सात हिचड़ी में वफात पाई हजरत सप्पिया गमदिया ये बनु गदिया की एक शरीफ ज़ादी इनका तस्करा हम जहाँ ज़िना के अहकाम हैं वहाँ हम बजात से पढ़ चुके हैं गामदिया कबीले की ये वो ख़ातून जिनसे ज़िना का अरत हुआ और जना का इरतक करने के बाद हमला भी हुई लेकिन गुनाह कबीरा के अरत के बाद नतामत शर्मिंदगी पछतानी या जो आमनु, जिनानु तूबु इल्लाही जमीअ लअकुम तुफ्लिकून तौबा कर ली इस्तिगफार कर ली और फलाह पा गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदमत में हाजिर हुई सहाबा कर और ज़िंदगी में हमें पता चलता है कि जब कोई शख्स जिना का अतकब करता और फिर आके इतराफ़ ख़ ख़ता चार दफ़ा एतराफ़ ख़ लाजिम होता चार गवाहों की जगह चार दफ़ा इतराफ़ ख़ा लाज़िम होता तो उस पर ख़त जारी हुई माज़ बिन मालिक का वाक हम सुन चुके लेकिन इन्होंने जब आके तस्कर किया कि मुझसे जिना का इतकब हुआ है, मैं उस 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 गुनाह की वजह से हमला भी हो चुकी हूँ तो आप सल्हे में ना में मजीद तहकीक ना मज़ीद तस्दीक और ना ही चार दफा एतराफ़ का मामला तलब किया गया आप ने आपने हुक्म दिया कि जाओ हमल वजा होगा तो फिर आना खातून वजाय हमल के बाद अपना नौजायदा बच्चा लेकर शीर खार बच्चा लेकर हद जारी करने का मुतालबा करती हुई हाजिर हुई यह तोबा थी ये इस्तार थी ये नदामत थी और ये दुनियावी सजा को अपना कफारा बना के उखरवी अबदी सजा से बचने का तरीका था यह फिक्र आखरत थी खौफा मकामा ही जन्नता जिसको ये खौफ आ जाए कि मैं रब के सामने कैसे खड़ी होंगी उसके लिए दुनिया की बड़ी से बड़ी सजा हल्की हो जाती है जिसको आखरत का एहसास हो जाए जिसको जिसको जहन्नुम की हमेशी का हमफी हाद का एहसास हो जाए उसको दुनिया की बड़ी से बड़ी सजा हल्की हो जाती ये वो सहाबा और ये वो सहाबियात थे जिनको फिक्र आखरत, ईमान बिल आखिरा यू किनू नो किनून की कैफियत थी आखरत उनका जहन्नुम में, में जलाए जाने का यकीन और मामला ऐसा ही था जैसे आग में हाथ डालने आ जाए और भून दिया बड़ा कबीरा गुनाह करने के बाद जब अल्लाह के हजूर खड़े होने जहनुम की आग में भूने जाने और जलाकर राह किए जाने का फिक्र आया तो रिजम जैसी सजा हल्की लगने लगी बल्कि बार बार मुताल कर रही है यार मुझ पर हद जारी करें। ये वो लोग थे जिनको इस बात की उम्मीद थी कि दुनिया की सजा लेकिन जिसको यह बात याद ना हो देखेंगे हयात तय्यबा में खातू ने जब इत किया था। और, और बार बार शोहर की खा लेने के बाद जब साहब बार बार अल्लाह की बंदी ये याद रख दुनिया की सजा आखिरत की सजा के मामले में बहुत हल्की है तो कसम खा गई थी झूठी कसम खा गई थी ना खुद रुसवा होगी ना अपने मामा और बाप को रसवा करूंगी लहन के बाद लेकिन जिसको फिक्र आखरत गालिबो हजर सिप्तिया आमदिया ने आखिर नबी हमने मुनेतराफ़ किया अपने हमल का इंतजार फिर हमल के बाद वो वोजायदा बच्चे को शीर खार बच्चे को आपने कहा कि अपनी रजात को मुकम्मल करो अपने रजात मुकम्मल होने के बाद फिर बच्चा गोद में लेकर हाथ में रोटी का टुकड़ा गवाही और सनत के तौर पर चाहती थी किसी तरह दुनिया की सजा मिल जाए याद रखिएगा दुनिया की सजा भी उस शख्स के लिए कफारा बनेगी आलम बे सवाब हम कुछ नहीं कह सकते लेकिन कुरान और हदीस से जो पता चलता है एक शख्स कत्ल करता है लेकिन फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाता है डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है लेकिन नतामत नहीं तौबा नहीं इस्तगफार नहीं पश्मानी नहीं तो शायद एन मुताबिक है कि इसका सूली पर फांसी पर चढ़ाए देना जाना उसके कत्ल के गुनाह का कफारा ना बने लेकिन एक वो शख्स जो दुनियावी सज़ा बर्दाश्त करता है और नदामत और पशेमानी और तौबा इस तखफार के साथ करता है उसकी वो सजा उसके गुनाहों का कफारा बन जाएगी क्योंकि हमें पता चलता है कि जब हजरत सवेबा गांधिया के ऊपर वो वद रिजम जारी की गई और यही वो वाकत हैं जिससे शादी शुदा मर्द और 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 औरत के लिए रिजम स्टोनिंग टू डेथ पत्थर कर, पत्थर मार के हलाक करने की सजा का जवाब फ्रम होता है मौजूद नहीं है इसको से रसूल से महब कर दिया गया था। में आया थे इसको भुला दिया गया था मौजूद थी आई थी नाजिल हुई थी साहब ने हजरत उमर रजील ने सुनी और फिर हफ्स हिफ्स रसूल से, से, से महब कर दिया गया लेकिन सुनत से जारी कर दिया गया और यही वाकयात है जो सुनत की जारी करने के हमें पता चलता है कि जब पत्थर मारे गए थे तो उनमें हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तभी भी थे हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला ने जब पत्थर मारा और सहाबिया के जिस्म पर गिरा तो खून का एक छींटा हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला के जिस्म पर आया और इस पर हजरत खालिद बिन वलीद ने उनको बुरा भला कहा आप सलाह ने फरमाया खालिद अपनी जबान को रोको ये है तरबियत और यह है तस्किया जो आपने सहाबा कम के लिए कहा और ये है किसी की इज्जत और किसी के मामले में कोई जुमला कहने से रोकना और इज्तनाब करने का तरीका और फिर यह है जबत लिसान और जबत नफ्स का तरीका और तरबियत खालिद अपनी तो जबान को रोको खुदा की कसम इस औरत ने ऐसे तोबा की है कि जुल्म से महसूल वसूल करने वाला भी ऐसे तोबा करेगा तो उसको बख्श दिया जाएगा और फिर आपने नमाज जनाजा भी पढ़ाया हजरत अल्लाह तआला ने कहा कि आपने एक जानिया औरत का नमाज जनाजा पढ़ाया तो आपसे फरमाया कि राह खुदा में जान कुर्बान करने से बढ़कर उसने कोई चीज़ नहीं पाई कि नहीं उसे सिर्फ खौफे खुदा की वजह से गुनाह कबीरा का इकरार किया और अपनी जान दी कुछ रमायात में आता है कि इसने ऐसी तौबा की कि अगर मदीना वालों पर तकसीम कर दी जाए तो वो उनके लिए काफ़ी होगी क्योंकि इस तौबा में क्या था अपने जिस्म को रिजम की सजा के लिए पेश कर देना اللهم <سؤال> آت نفسي تقواها اللهم إني أسألك الخدا والتقى والعفاف والغنى اللهم ہمیں تقوی فرما ہمیں پاک دامنی کی توفیق عطا فرما اور اللہ ہمیں اس